अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज मैंने कोई भी वीडियो सुबह से रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए कि मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी अपने काम की वजह से। तो जब वापस घर आई मैं शाम को, तो मैं बहुत थकी हुई थी, तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद मैं ऊपर आई कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था और यूनिफॉर्म मैंने धोया था तो रेडी नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऊपर जाके मैं यूनिफॉर्म इस्त्री कर देती हूँ। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए, और साथ में मैंने अपना एक सूट भी रेडी इस्त्री करना था, तो मैंने कहा चलें साथ में ये फिल्म भी बना लेते हैं। और इस तरह ये फिल्म मैंने बनानी शुरू की। और अभी मैं अपने बेटे की दो शर्टें इस्त्री कर रही हूँ। ये दूसरी शर्ट है, एक तो मैंने कर दी इस्त्री और ये मैंने दूसरी इस्त्री कर रही हूँ। तो ये मैंने माशाल्लाह मेरी ये इस्त्री बॉडी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने मेरी एक फ्रेंड कह लें बहुत अच्छी हैं, उनके घर में मैंने देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने खुद ली। वाकई ये इस्त्री बहुत अच्छी है, बस एक दफ़ा ऐसे रखें स्टीम निकलती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इस्त्री कर देती है। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ इस्त्री, सिंपल वाली भी मेरे पास है, लेकिन जब से ये ली है तो वो इस्त्री मैंने रख दी है कि इमरजेंसी के लिए, तो हम यही इस्त्री कपड़े करते हैं इसी से। तो अभी ये मैंने दूसरी भी देखें शर्ट को इस्त्री कर लिया है, और अभी इसके बाद मैं अपने बेटे की स्कूल की ट्राउज़र को इस्त्री करूँगी। और अभी ये देखें मैं अपने बेटे के ट्राउज़र इस्त्री कर रही हूँ के, और उसके बाद फिर मैं अपना एक सूट इस्त्री करूँगी। तो अभी मैंने आपसे ये भी कहना था कि मैंने अभी ये नया अपना चैनल बनाया है, और अभी नई अभी मैंने वीडियोस शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं रिकॉर्ड करना भी और अपलोड करना भी। और मुझे पता है काफ़ी इसमें मिस्टेक्स वगैरह हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे और मेरे को मुझे सजेशन दें, तो इंशाल्लाह मैं इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आऊँगी। तो आप भी बताएं, मुझे आइडियाज़ दें नई नई कि क्या करना चाहिए कैसे सारा, तो इंशाल्लाह मैं आपके आइडियाज़ के साथ आगे लेके चलूँगी अपनी वीडियोस को। और इसमें मैं सारा कुकिंग वगैरह भी दिखाऊँगी, जैसे जो कि मेरे अपने स्टाइल की है। तो उसके अलावा बाकी मैं जैसे काम पे जाती हूँ तो उसमें भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें भी थोड़ी वीडियो शूट कर लूँगी। और ये है भी मैं अपनी शलवार इस्त्री कर रही हूँ कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो आप मेरे पास ज़्यादातर जो हैं सूट ब्लैक कलर के ही हैं। तो ये भी मैंने सुबह कहीं जाना है तो मैंने अपना सूट भी साथ में इस्त्री करके रख दूँगी, कि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता तो इस टाइम पे मुझे जो भी सुबह अपने कपड़े पहनने हैं या बच्चों के पहनने हैं तो मैं इसी वक्त इस्त्री करके तो रख देती हूँ, फिर सुबह मुझे आसानी होती है। तो ये मैं अभी अपनी कमीज़ इस्त्री कर रही हूँ, तो इसका मुझे पैटर्न डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो इन्होंने साइड पे बीड्स लगाए हैं वो मुझे बहुत पसंद आए हैं, और ये ब्लैक रेड का कम्बिनेशन है और इसमें येलो भी ग्रीन भी है लेकिन रेड जो है उसमें ज़्यादा है, तो मुझे इसका कम्बिनेशन बहुत पसंद है। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये देखें कमीज़ का पैटर्न जो साइड पे है इन्होंने बीड्स लगाए हैं वो माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छे लगे। तो ये मैंने एक दफ़ा सूट में ये पहले पहन चुकी हूँ, अभी मैंने ये रिसेंटली 4-5 सूट ख़रीदे हैं। ये खदड़ का है, ये विंटर में ये पहनने वाला है, तो बाकी भी मैंने खदड़ के ही लिए हैं। तो अभी ये वाला मैं सूट एक दफ़ा पहले पहन चुकी हूँ, और एक और मैं जो है ब्लू कलर का वो भी मैंने पहना है, लेकिन बाकी जो 2-3 हैं वो मैंने नहीं पहने। और 2-3 सूट मेरे पाकिस्तान से आए हैं, एक मेरी नीस ने भेजा है
वो मैंने सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ी थी तो उसमें पहना था। और एक मेरी माम ने भेजा है, तो वो मैंने अभी ये जो जुमा गुजरा है उसमें पहना था। तो मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि कोई भी नया सूट हो तो जुमे की नमाज़ या कोई भी नमाज़ जो है उसमें पहले उसमें पहनूँ, बाद में फिर कहीं और। तो ये मैं पहले किसी मैंने नमाज में भी पहन चुकी हूँ ये ब्लैक सूट, और मैं किसी के घर गई थी तो तब पहना था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और क्या कहते हैं, अगर कोई सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। तो इसके बाद ये मैं कपड़े इस्त्री करने के बाद अभी मैं सो जाऊंगी। मेरा तकरीबन 10 बजे तक होता है कि मैं सो जाऊं। ये देखें, ये साथ में दुपट्टा है, ये ट्राउज़र है ब्लैक कलर की, और ये मुझे ये देखें, ये है दुपट्टा,